जो एक इंस्टीट्यूशन है जिसे जर्नलिज्म जर्नलिज्म है वो दैट इंस्टीट्यूशन इज समवेयर इट इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इट्स वन ऑफ द यू नो द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं वो जर्नलिज्म इट हैज टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक आइडियल्स लेकिन आज मतलब विद डेमोक्रेसी अंडर अटैक यू नो दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन अंडर मैक्सिमम अटैक एक चीज की जरूर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टू बी सेंसिटिव एंड टू बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज स्टोरी टेलर मैं कोई भी चीज सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं करता हूँ एक बात बताओ प्रतीक गांधी दिखा कि नहीं प्रतीक गांधी नहीं मुझे दिखा है शो हाँ ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ क्लिक आज हम हंसल मेहता से बातचीत कर रहे हैं एक सीरीज़ है स्कूप नाम से जो कि नेटफ्लिक्स पर 2 जून को स्ट्रीम होगी ये सीरीज़ जिग्ना वोरा एक जर्नलिस्ट की किताब बिहाइंड बार्स इन बाइकोला माई डेज इन प्रिजन पर आधारित है जिग्ना को 2011 में एक फेलो जर्नलिस्ट के मर्डर के आरोप में जेल में बंद किया गया था 10 महीने उन्होंने जेल में बिताए थे जिसके बारे में ये जो किताब है वो बात करती है और ये सीरीज़ भी उसके बारे में बात करती है सीरीज़ के डायरेक्टर हंसल मेहता हैं हमारे साथ मौजूद हैं हंसल बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ क्लिक में थैंक यू सत्यम मेरी खुशकिस्मती है आपसे बात करना क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि भाई आपके यहाँ पहले गौतम लला का काम करते थे मुझे पहले ये जानना है आपसे कि ये जो आइडिया था सीरीज का वो किस वक्त आपके दिमाग में आया वर यू फॉलोइंग द केस व्हेन इट हैपेंड इन 2011 या जब किताब पब्लिश हुई थी उसके बाद आपने सोचा था नहीं एक्चुअली आई फॉलोड द केस व्हेन द केस हैपेंड इन 2011 जब तब आई हैड फॉलोड इट ब्रीफली एंड देन यू नो लाइक इट हैपेंस विद ऑल पीसेस ऑफ न्यूज वो आया और चले गया वो एक सुर्खी को यू नो सुर्खियां हमेशा रिप्लेस होती रहती है दे आर रिप्लेसेबल तो एक न्यूज को दूसरे न्यूज ने रिप्लेस कर दिया और हम भूल गए एंड हमारे भूलने में मतलब उस इंडिविजुअल पर जो बीत रही थी उसको हम भूल चुके थे कि कुछ दिनों की बातचीत आउटरेज डिबेट नेम कॉलिंग वो सारा हो गया और जब पेट भर गया तो आप कहीं और चले जाते हो यू नो सो वो मुझे लग रहा है कि वो जब ये किताब मेरे पास आई है 2021 में जब पैंडेमिक शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले लॉकडाउन के कुछ 3-4 हफ्ते पहले ये किताब मेरे पास मुझे मैचबॉक्स शॉर्ट्स जो प्रोड्यूसर है उन्होंने दी थी और किताब पढ़ते ही वो दोबारा मुझे केस याद आया एंड आई रियलाइज के इस किताब के अलावा किताब के बाहर की एक बहुत बड़ी कहानी है जो इस वक्त की कहानी है जो आज की कहानी है जो मुझे लगा कि बहुत जरूरी कहानी है आज के दौर में कहना वही आपने किताब के बाहर की जो बात की तो किताब में तो बेसिकली उसी की बात है कि जब वो जेल में रही थी उस दौरान लेकिन सीरीज में आपने उस लीड अप की भी बात की है कि हाउ डिड इट लीड अप टू दैट और वो उससे पहले एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थी पेज वन पर कई सारे उनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे तो वो वाला जो हिस्सा था उसको लिखने के बारे में या उसकी रिसर्च के बारे में हाउ मच वॉज जिग्ना इन्वॉल्व उस दौर के कितने लोग इन्वॉल्व थे इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो जो राइटिंग का प्रोसेस होता है मेरा जो जब मैं ट्रू स्टोरी पर आधारित कुछ भी बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि रिसर्च से जितना अपने आप को दूर रखूँ उतना बेहतर होता है कि वो रिसर्च का जो मेरी जो कोर टीम है जो मेरी को क्रिएटर है मृण्मयी लागू और उसकी जो पूरी राइटिंग टीम थी मैंने उन पर छोड़ दिया था कि भाई आप रिसर्च करो मुझे बताया करो कि ये यहाँ से है मैं पूछता रहता हूँ कि ये सचमुच ऐसे हुआ था तो ये सवाल उठाता हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक सिनेमैटिक तरीके से स्क्रिप्ट को देखूँ क्योंकि अगर मुझे कहानी ज़रूरी लगती है तो मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि वो कहानी का कहना इस तरीके से हो कि वो लोगों को वो मतलब मेरा रिसर्च स्टोरी टेलिंग पर हावी ना हो जाए तो वो ये कोशिश मतलब हमेशा लगी रहती है मेरी कि तो रिसर्च काफ़ी किया था जिग्ना से बातचीत हुई बाकी बहुत सारे जर्नलिस्ट बहुत सारे क्राइम जर्नलिस्ट उनसे बात हुई बहुत सारे इस केस से जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत हुई तो दीपू सेबेस्टियन जो खुद
जिस पर एक कैरेक्टर हमने अलीगढ़ में राजकुमार राव ने प्ले किया था जी। तो दीपू रिसर्च टीम में था, साथ साथ में अंकुर पाठक थे जो मतलब एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म और टैबलॉइड का हिस्सा रह चुके हैं। तो वो एक जो माहौल है, एक के डेली पेपर का जो एक माहौल रहता है, उस माहौल को समझने में और उस माहौल को रिक्रिएट करने में अंकुर की बहुत मदद मिली हमें। ये जो सीरीज है एक ओड तो है ही, मतलब जर्नलिज्म को और इस प्रोफेशन को तो एक तरह से डेडिकेटेड है ही, लेकिन दूसरी तरफ वो इंडियन मीडिया भी है जिसकी वजह से हम देखते हैं कई सारे केसेस या कई सारे जो सिर्फ एक्यूज्ड होते हैं उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है या उस तरह की चीज़ें हमने रिसेंट टाइम में भी देखी थी, कोविड के टाइम पर भी। अगर हम आज के इंडियन मीडिया की बात करें तो मतलब क्या लगता है आपको, ये कैसा काम कर रहे हैं हम लोग? मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से शुरू हुआ है वो, ये कहानी इसलिए मैं मानता हूँ कि ये एक तरीके से कॉशनरी टेल है कि जो जो एक इंस्टीट्यूशन है जिसे जर्नलिज्म जर्नलिज्म है, वो दैट इंस्टीट्यूशन इज समवेयर, इट इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स वन ऑफ द यू नो द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो जर्नलिज्म, इट हैज टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक आइडियल्स। लेकिन आज मतलब विद डेमोक्रेसी अंडर अटैक, यू नो दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन अंडर मैक्सिमम अटैक, यू नो, सो पीपल हु हैव गुड इंटेंशंस, हु हैव द यू नो हु वांट टू अपहोल्ड वैल्यूज एंड द ट्रूथ आर हैव बीन अंडर थ्रेट, यू नो, फॉर सो मेनी इयर्स। जैसे आप शो में भी देखोगे, मतलब सालों से ये चलते आ रहा है, यू नो, आप उस पर जो एक होता है रंग लगाते हैं कि भाई इस गवर्नमेंट ने किया उसने नहीं किया, एक्चुअली ये यू नो द एस्टेब्लिशमेंट हैज यूज्ड मीडिया एज इट्स टॉय फॉर इयर्स, एंड आज हम उस चीज को भुगत रहे हैं कि जो कंज्यूमर है न्यूज का उस तक सच बात पहुंचती नहीं है, ज्यादातर मैन्युफैक्चर्ड न्यूज हमें मिलने लगा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था इंडियन मीडिया के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दूसरा ये कि ये मतलब अच्छा ये बात ना सिर्फ इंडियन मीडिया का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप exactly, दुनिया भर में, दुनिया भर में मतलब मीडिया के साथ ये होता आ रहा है, और ये मतलब वो ये इंस्टीट्यूशन हैव नेवर बीन under such severe attack than they have been in the last, I would say, 3 decades. इस किताब में भी और सीरीज में भी मतलब कुछ ऐसे फिगर्स भी हैं जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, हाई रैंक पुलिस ऑफिशियल्स हैं, एक कैरेक्टर वो भी है जो कि आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि उस समय पर जेल में थी बुक में भी। अगर हम सेंसरशिप की बात करें तो कुछ कट्स लगे थे इसमें कि आप ये दिखा सकते हो वो नहीं दिखा सकते, या जैसा आपने बनाया था वो दिखाया? जो बनाया वही है, मतलब हमने एक चीज की जरूर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टू बी सेंसिटिव एंड टू बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज स्टोरी टेलर। मैं कोई भी चीज सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं करता हूँ, और क्या होता है कि ये सारी चीजों का ख्याल आप तब आपको कॉन्शियसली रखना पड़ता है जब आप आपकी इंटेंशन गलत हो। कहानी कहने का इंटेंशन मेरा एक कहानी कहने का है, उसके अलावा कोई नहीं है, मतलब वो कि इस पर यू नो इट्स द आइडिया इज नॉट टू पॉइंट फिंगर्स, द आइडिया इज टू बिल्ड एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड द पीपल। तो आप जिन लोगों को आप समझते हो कि ये ब्लैक है और ये वाइट है, शायद ये विलेन है और ये हीरो है, तो आप देखोगे सीरीज में कि वो बार बार वो एक्सेस चेंज होता रहता है, यू नो, वो आपका गेज जो है शिफ्ट होता रहता है। और मैं वही चाहता हूं कि भाई आप जजमेंट के बिना लोगों को देखो, इंटेंशन यही है कि लोगों को अगर अच्छा बुरा जो भी कर रहे हो तो उसको मतलब एक एम्पैथी की नजर से अगर आप देखो, समझने के नजरिए से आप देखो, तो वो वही है कि मतलब फर्क नजरिए में है। और मैं तो अपना काम वैसे ही करता हूं कि भाई आप नजरिया जो है वो एक नॉन जजमेंटल तरीके से चीजों को देखना
और ऑडियंस पर छोड़ना कि भाई आप देखिए, आप समझिए और आप इस पर बातचीत करें, चर्चा करें। जी अगर हम कास्टिंग की बात करें तो करिश्मा तन्ना ने बहुत शानदार काम किया है, हरमन बावेजा हैं, प्रसन्नजीत हैं, जीशान अयूब, तनिष्ठा चटर्जी, मतलब बहुत ही शानदार कास्ट है। और कई लोग वो भी हैं जो कि स्कैम में भी आपके साथ थे और अब उन्होंने फिर से आपके साथ काम किया है। कास्टिंग के बारे में क्या लगा आपको? स्कैम, स्कैम से कौन था? स्कैम से जिन्होंने ACP प्ले किया है, हु वाज ट्रांसफर्ड, आई डोंट नो हिज नेम, बट उसमें वो इनका असिस्टेंट बने थे स्कैम में। चिराग बोरा, करेक्ट करेक्ट, एंड ऑल्सो स्पेशल अपीयरेंस था बेचारे का, चेतन विशिष्ट ऑल्सो, हाँ जी, जैमिनी पाठक, हाँ जो वो SBI का एम्प्लॉय बना था। सही पकड़ा सत्यम, हाँ सही पकड़ा। तो कास्टिंग के बारे में कैसा लगा इन लोगों के साथ काम करके? एक बात बताओ, प्रतीक गांधी दिखा कि नहीं? प्रतीक गांधी नहीं मुझे दिखा है शो, हाँ ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। मैं ध्यान से देखूंगा फिर से। हाँ तो प्रतीक गांधी, हाँ बुद्धि बहुत छोटा सा है लेकिन है प्रतीक इसमें। आई सॉ यू, बट आप हैं, हाँ वो मतलब आप कई कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें मतलब आपकी गलतियों को आप ही भुगतते हो। इसको तो मुझे दो, हाँ खुद ही झेलना पड़ता है क्योंकि उस कैरेक्टर के लिए एक्चुअली हम बाहर शूट कर रहे थे, आउटडोर शूट कर रहे थे और वो उसकी कास्टिंग हम जो जो की थी वो उस कैरेक्टर के लिए शायद करेक्ट नहीं थी। तो वो उस वक्त मतलब वो हमने बहुत लेट रियलाइज किया और सवेरे सवेरे मैंने कहा कि भाई कोई अगर नहीं हो पा रहा है और अगर एक्टर आ नहीं पा रहा है तो मैं कर लेता हूँ ये। तो आपको अच्छी लगती है वैसे एक्टिंग करना, मजा आता है आपको जब? हाँ मतलब अगर मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा होता हूँ तो अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ी आराम आराम नुमा जिंदगी होती है, लाइन्स मुझे याद रह जाती है। हाँ। तो बाकी एक्टर तो बुरा हुई, बहुत बुरा एक्टर हूँ। तो मैं हमेशा जो भी मुझे एक्टिंग का काम देता है कहता हूँ कि भैया आपने एट योर रिस्क आप मुझे कास्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है इसमें बुरा नहीं किया है, इसमें मतलब मेरा जो DOP है प्रथम मेहता वो डायरेक्ट कर रहा था मुझे, तो उसने कम से कम नहीं तो 20 take ले लिए जब तक मैंने ठीक ना किया हो। तो कैसा था करिश्मा के साथ, हरमन के साथ काम करना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं बहुत अच्छा था करिश्मा, मतलब मैं सोचता हूँ कि करिश्मा की कास्टिंग जो जो कैरेक्टर है जागृति पाठक का, जो उसका अपना एक जो पुश है, एक हासिल है, एक हंगर है, वो मुझे करिश्मा में दिखा। मुझे लगा कि करिश्मा में वो बात है, वो ना सालों से TV कर रही है, रियलिटी शोज कर रही है, लेकिन उसको एक जो अंदर एक बहुत आग है कि मैं अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करूं कि लोग देखे कि करिश्मा तन्ना एक्टिंग कर सकती है, और ये मतलब महत्वाकांक्षा कितने लोगों की होगी, ऐसे कितने लोग हैं करिश्मा जैसे जिनको मौका नहीं मिलता, जो मतलब एक तरीके से वो रहे हो जाते हैं, टाइपकास्ट हो जाते हैं, टाइपकास्ट हो जाते हैं। जैसे प्रतीक गांधी का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि प्रतीक गांधी गुजराती थिएटर एक्टर में मतलब टाइपकास्ट हो गया था और उसके बाद गुजराती फिल्म का एक्टर, हाँ। इस तरह से टाइपकास्ट हो गया था कि वो उन चीजों को ब्रेक करना जरूरी होता है, और मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मैं ये कर पाया इधर इस शो में। नहीं बहुत प्रतीक गांधी का तो बहुत ही कमाल काम, नहीं वो इस शो में भी यही कर पाया कि करिश्मा को उस टाइपकास्टिंग से निकाल कर इस शो में ये रोल, मतलब इट्स आई थिंक इट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम। उसने जिस तरह से जो काम किया है, जिस तरह का मतलब उसने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया है इस कैरेक्टर में, वो मुझे लगता है कि वो वैसा मतलब वो बहुत ही कमाल का काम किया है लड़की ने, बहुत सही। और मतलब सेम क्या था, हरमन बवेजा भी उस तरह से इंस्पायर्ड कास्टिंग थी कि वो मेरे साथ फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था और उस दौरान हम लोग उस फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे। कौन सी फिल्म थी? एक फिल्म जो हम साथ में बना रहे थे उसकी कास्टिंग चल रही थी, और उस कास्टिंग के दौरान मुझे हरमन ने मतलब मुकेश छाबरा के साथ ही कास्टिंग कर रहे थे, मुकेश को मैंने मैसेज भेजा कि भाई ये अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? मुकेश ने कहा अच्छा है लेकिन करेगा क्या,
तो मतलब हम आपस में व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं उसका फोटो खींच रहा हूँ, हनुमंत समझ सोच रहा है कि ये क्या चल क्या रहा है, मतलब हम कासिम की बात कर रहे हैं और ये मतलब मेरा फोटो खींच रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, तो लग रहा था कि दो हम एक दूसरे को मैसेज भेज रहे थे। तो थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि वो अपने एक खुद के जो एक होता है ना कि एक एक्सपीरियंस से गुजर चुका है, जिसमें मतलब फेलियर से लेके रिजेक्शन, ये सारे एक्सपीरियंसेस से हरमन खुद गुजर चुका है, और मतलब वो कहीं ना कहीं आदमी बिटर रहता है, डरता है कि मैं दोबारा अपने आप को इस चीज से एक्सपोज करना चाहता हूँ या नहीं। तो 11 साल हो गए थे, वो प्रोड्यूसर और राइटर बन के खुश था, तो थोड़ा सा पुश करना पड़ा, लेकिन हरमन ने किया। और मतलब आज हरमन को मतलब अच्छा लगता है कि जब लोग उसे मतलब कोई भी उसे मिलता है जिसने भी देखा है, को मैसेज आते हैं कि भी हरमन बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा, कोई कह क्योंकि कोई कहता है एकदम सरप्राइज हो गया है तुमको देखकर, तो वो मतलब हरमन को भी कहीं ना कहीं एक विंडिकेशन मिलता है कि हाँ मतलब मैं मतलब शायद मेरे चॉइसेस गलत होंगे, शायद मेरे चॉइसेस वर्क ना किए हो, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं एक्टर नहीं हूँ। तो ये अच्छा लगा। और बाकी जीशान है, जो जीशान मेरे साथ मतलब एक हर कुछ सालों में मतलब हर बार जीशान कोई ना कोई काम हम लोग साथ में करते ही है। उसे शाहिद के बाद थोड़ा गैप हो रहा था, तो हमने रोहित वेमुला पर शॉर्ट फिल्म बनाई, जो लास्ट लेटर जो जीशान रोहित वेमुला का आखिरी खत जो है वो जीशान पढ़ के सुनाता है। फिर हमने छलांग की, और अब इसमें मतलब मुझे लगता है जीशान ने मतलब इतना डिग्निफाइड काम किया है, उस जो वो जो किरदार है एक एडिटर का, उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी डिग्निटी के साथ उसने मतलब उस कैरेक्टर को निभाया है, और वो करने के लिए बहुत बेहतरीन एक्टर की जरूरत होती है। अगर हम इसके जेंडर्ड जो साइड ऑफ थिंग्स हैं इस सीरीज में, जिसको आपने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, बड़े अच्छे न्यूआंसेस हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री ये है जिसमें कि मतलब एक तरह से जागृति पाठक के कैरेक्टर को ये कहा जा रहा है कि वो इस ये सब करके ऊपर पहुंची है, लेकिन एट द सेम टाइम जब एक वहां पर उसी का कॉलीग है जिसकी पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ही सेज की नहीं बोलते जलते हैं तुमसे और ऐसा नहीं है। तो इस वाले चीज को जो आपने ट्राई एंड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, जो जेंडर्ड साइड है इसका, मतलब एक तो है ये कि भाई इन चीजों को हम फोर्स फिट नहीं करते, कि ये सचमुच मतलब ये सच्चाई है हमारे मतलब सालों से, ये जो डीप रूटेड एक तरह की पेट्रियार्की और जेंडर बायस जो है हर प्रोफेशन में, वो सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं है, इसलिए हमने दिखाया है कि एक कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में भी यही चल रहा है, और खुद का मतलब अपने घर पे भी यही चल रहा है, वो मतलब सडनली मतलब अलग निगाह से अपनी बीवी को देखता है, वो अपनी बीवी को मतलब सक्सेस का कुछ सेलिब्रेट करने की जगह मतलब सक्सेस को एक गलत नजरिए से देखा जा रहा है। तो ये मतलब वो जो जेंडर स्क्यूड जेंडर डायनेमिक्स है, जो मतलब एक हमारा एक कंडीशनिंग है इस सोसाइटी का, तो उसको मतलब और उसका बहुत सारा मतलब मैं क्रेडिट देता हूँ उन्मई को, जिन्होंने इससे पहले थप्पड़ लिखी थी, तो कहीं ना कहीं मृण्मयी के एक स्ट्रॉन्ग क्या है, मृण्मयी का कमाल ये है कि वो मतलब एक फेमिनिस्ट होकर भी ना वो एक स्टोरी टेलर है, तो वो उन दोनों चीजों को जो बहुत सीमलेसली मिक्स करके एक कहानी में पेश करना नुआंस तरीके से और बहुत ही सीमलेसली, वो मतलब स्क्रिप्ट में था, मैंने मैज उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। चलिए आखिरी सवाल हमारा यही है कि इतना सारा काम आपने किया है, शाहिद है, उमिरता है, स्कैम, अलीगढ़, स्कूप, तो अब आगे क्या आने वाला है एक तो, और दूसरा आप इस पूरी जर्नी को देखते कैसे हैं बॉलीवुड में अपनी? मैं दूसरा सवाल है उसका जवाब पहले देता हूँ। हाँ कि मैं मतलब बॉलीवुड का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि बॉलीवुड मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि ये एक इंडस्ट्री है, एक फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि बॉलीवुड कोई जगह नहीं है, तो वो नाम जो है वो उसको देकर ये जो मतलब उसको एक टारगेट सालों से बनाया जाता है कि बॉलीवुड ऐसा ही है, बॉलीवुड ऐसा, कि बॉलीवुड क्या है, कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से करने
करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज है। मतलब एक इंडस्ट्री है, हम लोग यहाँ कहानी कहने की इंडस्ट्री में है, हम कहानियां कहते हैं, और मतलब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा, मतलब मैं हमेशा सवेरे जब उठता हूँ ना तो अपने प्रेयर्स में मतलब एक बहुत बड़ा थैंक यू कहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर इस ये काम नहीं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता। यू नो, तो वो कि हर रोज उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक सपना जी रहा हूँ कि मैं जिस तरह की कहानियां कहना चाहता हूँ, जिस तरह के कैरेक्टर्स के बारे में कहानियां कहना चाहता हूँ, जो काम करना चाहता हूँ, जो काम जैसा ना लगे वही कर रहा हूँ। तो बस ये जर्नी मतलब बेहद ये मतलब खाना खजाना 30 अगस्त 1993 में पहला उसका टेलीकास्ट हुआ था, तो अभी 30 साल हो जाएंगे इस जर्नी के, तो वो 30 साल मतलब बड़े खूबसूरत रहे। और रहा सवाल आपका पहला सवाल कि आगे एक फिल्म है करीना कपूर के साथ जो अब जिसके फाइनल एडिटिंग वगैरह चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और हम लोग रिलीज के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। रिलीज की तारीख अभी तक डिसाइड नहीं की है, उसकी तैयारी चल रही है, और महात्मा गांधी पर एक सीरीज है। तो एक ऐसे वक्त पर जहाँ इतिहास को दोबारा लिखा जा रहा है और इतिहास को रीइमेजिन किया जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास को आगे आने वाले जनरेशन के लिए, इस जनरेशन के लिए हम सही मायने में पेश करें। जी, मैं बस खत्म कर दूंगा, एक मेरे सवाल आ गया मेरे दिमाग में, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जैसे अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी की डिफर करती है आपसे तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं? आपको कर सकते? मतलब हाँ, मतलब देखिए हम सालों से हम अलग 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 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के होकर भी हमने साथ में काम किया है, और मैं मानता हूँ कि मैच्योर डेमोक्रेसी वही है जहाँ हमारे डिफरेंसेस होने के बावजूद हम साथ में काम कर सके। आज प्रॉब्लम क्या हो गया है कि उस डिस्कोर्स को हमने खराब कर दिया, उस डिस्कोर्स को हमने मतलब हमने साइड्स इस प्रकार लेना शुरू कर दिया है कि मतलब सालों की दोस्ती खत्म हो गई है। हाँ, तो बुरा लगता है, लेकिन मैं मुझ में कोई वो नहीं है कि आइडियोलॉजी भले ही अलग हो, मतलब मैं हमेशा अगर किसी चीज में कहीं फंसता हूँ, अगर किसी तरह की मुझे सहायता चाहिए, मैं अशोक पंडित को फोन करता हूँ जिनसे मतलब पूरी तरह से मतलब हम आइडियोलॉजिकली मतलब अपोज्ड है एक दूसरे से, लेकिन उससे दोस्ती थोड़ी खत्म होती है। चलिए, थैंक यू सो मच हंसल हमको टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपकी सीरीज के लिए और आने वाले जितने भी काम आपके हैं उसके लिए, बहुत शुक्रिया। आप हमको मतलब बहुत ही मजा आता है आपका काम देख के। शुक्रिया सत्यम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।